फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम दोबारा खेलने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D एंड इसमें आज हम कंपटीशन करेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक वर्सेस स्कॉर्पियो S11। आप अपनी गाड़ी कमेंट में बता देना क्या क्या क्लासिक पसंद है या S11 पसंद है, आप कमेंट में जरूर बता देना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस सिंपली दो चैलेंजेस करेंगे एंड इसमें देखते हैं कौन गाड़ी जीतती है। अगर जो गाड़ी जीतती है उस पहले कमेंट में बता दो। देखो ये है स्कॉर्पियो, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। S11 आप सामने का ये बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा। बोनट देख लो, ये वाला ये देख लो एंड ये S11 का है एंड स्कॉर्पियो क्लासिक का है जो अलग है। ये क्लासिक का है, कलर देख के पहचान जाओगे क्योंकि जो S11 है वो मैंने ब्लैक रखी है एंड जो क्लासिक है वो रेड रखी है। तो चलो चलते रहने। पहला जो हमारा क्रैश टेस्ट एंड क्रैश टेस्ट में सब जो सबसे पहला जो पार्टिसिपेटर है वो हमारा S11 स्कॉर्पियो S11। तो जल्दी चलते हैं एंड एक गाड़ी से ठुकवाते, एकदम स्पीड में ठुकाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो ये, एंड देखते हैं कितना डैमेज पहुंचता है इसको। एंड ओ वेट, ये तो भारी निकल गया एंड ये कितनी दूर जा गिरी है एंड जो है जो मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ इसको, लेकिन हाँ ये है कि इसके जो गेट वेट है सब टूट गए हैं। एंड जल्दी चलते हैं अब सेकेंड जो ठुकवाने गाड़ी को। एंड ये बहुत स्पीड में जा रही है एंड ये इस बार भी निकल गया है। बोलो गाड़ी कहाँ जाके मतलब पार्क हुई है, यहाँ पर गिरी है, रुकी है, कुछ भी कहो आप। एंड ये देखो यहाँ पे हम दोबारा बैठ चुके हैं। अब इसमें ज़्यादा इसमें मतलब वैसे की वैसे ही है, ज़्यादा कुछ इसमें असर पड़ा नहीं। एंड इसमें इसका देखो वो बम्पर या बोनट जो भी कहते हैं वो बाहर निकल गया है। एंड जो तीसरी बार जो तीन बार क्रैश टेस्ट करवा चुके हैं एंड ये चौथा बार, भाई साहब वो गाड़ी तो सीधे पलटी गई एंड एकदम सीधी हो गई है, बैलेंस देख रहे हो मेरा। एंड ओके से जल्दी जल्दी ठोक देते हैं, वेट इधर फंस गया इसमें एंड जाना इसको मिर्गी के द्वार पर जाएगा, जल्दी कब निकलेगा। ये निकल ही लगा एंड देखो स्कॉर्पियो S11 ने इसको फेंक दिया है एंड ये ढीठ फिर से आ गया इसमें मतलब क्रैश टेस्ट करवाने के लिए। ये हमारा लास्ट, क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड अब एक और बार चलते हैं एंड लास्ट बार मतलब टक्कर करवा के देखते हैं कि इसको डैमेज पहुंचता है कि नहीं पहुंचा। ये देखो इसके फिर से मिर्गी के द्वारा पड़ने लगे थे एंड ये हम निकल चुके हैं। ये देखो इसको ज़्यादा डैमेज तो नहीं पहुंचा, मतलब पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई लेकिन फिर भी चल रही है। अब हम करवाएंगे स्कॉर्पियो क्लासिक का क्रैश टेस्ट एंड इसमें बैठ गए हम एंड आगे चलते हैं एकदम स्पीड में एंड दूसरी गाड़ी को टक्कर करवा देते हैं एंड ये पलट गए लेकिन गाड़ी को कुछ नहीं हुआ एंड इसको एकदम स्पीड में ले जाते हैं एंड गाड़ी को टक्कर मारते हैं। एंड देखो गाड़ी कहाँ जाके गिरी, ये देखो वो रही गाड़ी एंड ये पलटी खा के ये हो गई सीधी, गिरी गाड़ी है ना मेरी तरह। जल्दी से एक और बार चलते हैं टक्कर करवाने एंड ये देखो तीसरी बार जो टक्कर करवाई है एंड ये फिर से गाड़ी खा के सीधी हो चुकी है। चलो एक और बार चलते हैं, मतलब चलते जाते हैं एक और बार, मैंने कितनी बार बोला कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड ये देखो मैंने एक और बार टक्कर करवा ली है एंड ये चौथी बार जो क्रैश टेस्ट हो चुका है। आप मुझे कमेंट बताना कि कौन सी गाड़ी जीतेगी एंड लास्ट तक बने रहना। ओके ये पांचवीं बार ये टूट ही नहीं रही है, मतलब उसका जो पीछे ग्लास है वो नहीं टूट रहा, ये पाँच बार टूट चुकी है फिर भी एंड इसमें भी नहीं, छः बार। ये देखो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है ना स्कॉर्पियो क्लासिक S11 से तो ज़्यादा ही है एंड एकदम स्पीड में ले जाते हैं। एंड ये देखो मैंने कहा 7 बार ठोक दिया वो गाड़ी गिरी लेकिन इसको फिर भी इसका जो पीछे वाला कांच नहीं टूटा। एंड एक और बार करवा दी मैंने टक्कर 8 बार फिर भी नहीं टूटा, आप देख सकते हो एकदम क्लियर का क्लियर है, लगता है इसके जो कांच है अंबुजा सीमेंट से बने जो टूट गए। एकदम स्पीड, ये देखो फंस गया, इसको फिर से मुर्गी के द्वारा पड़ने लगे जी, नहीं हो रहा, मैंने बहुत बार कराया लेकिन ये सीधा हो नहीं रहा है एंड फंस गया लगता है। अब करते हैं हम रैंप चैलेंज, तो रैंप चैलेंज का जो रैंप है हमारा वो यहाँ पर है। जल्दी से पहले हम रैंप के पास चलते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं। ओके तो ये देखो S11 एंड क्लासिक एंड जल्दी चलते हैं रैंप चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतेगी। ओके तो जो पहला है वो तो आराम से जा रही है, जो S11 है ये एकदम स्मूथली जा रही है एंड नेक्स्ट पे भी चढ़ाते हैं एकदम स्पीड में। ओके बस यहाँ से थोड़ा कट ले रहे। ओके तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पर टक्कर हो गई थी लेकिन गिरी नहीं, मैंने गिरने नहीं थी। ओके तो यहाँ पे ये पहुँच चुकी है एंड अब चलते हैं बाइक के साथ नीचे। ये हमारी यामाहा की V-Max, ये गाड़ी की लुक मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको निकाला है। ओके हम नीचे जो पहुँच चुके हैं, इस गाड़ी का दरवाज़ा वो टूट गया क्योंकि मैंने गेम को दोबारा रीस्टार्ट किया था। मैं झूठ नहीं बोला क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता कभी, मैं कौवा नहीं। अच्छा हमको सिखा रही है। ओके तो मैं इसको चलाते हैं, पता नहीं झूठ का कौए से क्या संबंध है मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ओके हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पर भी बस थोड़ा और एंड ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, ब्रेक भी नहीं लगे एंड वाह ये नीचे गिर गई
तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। सी और वीडियोस के लिए कमेंट में जरूर बता देना मुझे। तब तक के लिए बाय।